फाइनेंस एंड रियल एस्टेट। साउंड्स इंटरेस्टिंग। मैं नमित कुमार चौधरी, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोफेशनल एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आपके लिए नई सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम फाइनेंस और रियल एस्टेट से रिलेटेड फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और फ्यूचर टर्म। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फ्यूचर ग्रोथ जो इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री की होनी है और उससे इंडियन इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट मिलेगा, इससे कैसे आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, आपके लिए इसमें कैसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और कैसे आप अपने वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो इसमें आपको भी अपना ग्रोथ, वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट की। अगर बात करें इंडियन रियल एस्टेट की, भारत की इकोनॉमी जैसा कि आज हम पढ़ रहे हैं, 2047 में भारत की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे और भारत की इकोनॉमी 35 से 40 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। अब 35 से 40 ट्रिलियन इकोनॉमी में रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? अभी नाइट फ्रैंक एंड नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें रियल एस्टेट से रिलेटेड डाटा शेयर किए हैं। इंडियन रियल एस्टेट का एक्सपेंशन 2047 तक 5.8 ट्रिलियन की एक्सपेक्ट की जा रही है। अगर हम जीडीपी में इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 2047 तक रियल एस्टेट इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 15.5% की रहने की उम्मीद है। वही अगर अभी हम देखें तो इनका रियल एस्टेट इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 7.3% है। IMARC ने एक डिटेल सर्वे रियल इंडस्ट्री पे किया है और जो डेटा उन्होंने प्रेजेंट की है, अगर उसकी डिटेल देखें तो 2022 में रियल एस्टेट इंडस्ट्री जिसकी साइज 256.8 बिलियन की थी, वो अगले 5 साल 2028 तक 780.6 बिलियन की उम्मीद कर रहे हैं। और अगर हम CAGR की बात करें तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो ये 9.2% रहने की उम्मीद है। नाइट फ्रैंक इंडिया ने जो अनुमान लगाया है कि अगले 25 साल में भारत में 23 करोड़ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ने वाली है। वहीं अगर ऑफिस स्पेस की बात करें तो 2047 तक कुल $443 बिलियन की ऑफिस इन्वेंट्री रहेगी। हाउसिंग की डिमांड अफोर्डेबल हाउसिंग में भी होने वाली है और ग्रेजुअली फिर वो सिर्फ मिड सेगमेंट और लग्जरी हाउसिंग की तरफ जाएगी। अगर हाउसिंग डिमांड की बात करें तो अफोर्डेबल से शुरुआत होगी और फिर ग्रेजुअली वो मिड सेगमेंट और लग्जरी सेगमेंट की तरफ शिफ्ट होगी। अगर इंडिया में रियल एस्टेट साइकिल की बात करें तो ये 7 से 8 साल का है। रियल एस्टेट साइकिल 4 फेज में है, जिसमें पहले रिकवरी आती है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर हाइपर सप्लाई होता है और फिर रिसेशन आ जाता है। अभी हम जहां पे हैं, ये 2.5 से 3 साल गुजर चुका है और आगे 3 से 4 साल अभी इस साइकिल में बचा है, जिसमें कि हमें उम्मीद है कि अभी डिमांड 3 से 4 साल तक बनी रहेगी। रियल एस्टेट में अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो रियल एस्टेट में अभी जो सेल्स चल रही है उसमें एंड यूजर, यंग एंड यूजर की पार्टिसिपेशन ज्यादा है और इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन कम है, जो कि अगले 3 से 4 साल तक बनी रहने की उम्मीद है। अगर हम 5-6 साल पहले की बात करें तो डिमांड काफी कम हो गई थी, क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो कि पूरे नहीं हो पाए थे, लोगों को अपने घरों की डिलीवरी नहीं मिल रही थी। अगर हम पिछले 5-6 साल की बात करें तो बायर्स के बीच कॉन्फिडेंस की कमी थी, जिसका मेन कारण प्रोजेक्ट का पूरा न होना, डिले होना और कई तरह के कारण थे। बट अगर हम अभी की बात करें तो बायर्स के बीच कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और वो उनका पार्टिसिपेशन भी अच्छा चल रहा है। अगर हम कुछ और पहलुओं की बात करें जिसकी वजह से रियल एस्टेट में तेजी की उम्मीद की जा रही है, तो वो अर्बनाइजेशन का बढ़ना है, लोगों का ज्यादा से ज्यादा शहर की तरफ रुझान या गांव में भी नए नए मकान का बनना। इसके अलावा गवर्नमेंट का भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट बजट बढ़ाना है। और अगर यंग सिटीजंस में भी देखें तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की डिमांड काफी है। तो हमारा पार्टिसिपेशन इसमें कैसे होगा, हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट करें, हम इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कैसे करें, अपना वेल्थ क्रिएशन कैसे करें। हमने अभी जितने भी डेटा पॉइंट्स देखे हैं, फ्यूचर ग्रोथ देखा हमने, CAGR देखा हमने, इन सब से इंडिकेशन ये आ रहा है एनुअल रिटर्न रियल एस्टेट से अच्छी आने वाली है। आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ऑन एन एवरेज 9.5% की CAGR की अगले 20 से 25 साल में उम्मीद की जा रही है। नए होम बायर्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो पहला मकान खरीदना चाहते हैं या जिनके पास एक मकान है
और वो दूसरा मकान लेना चाहते हैं। आपने एक लोन लिया हुआ है, आप दूसरा लोन लेकर मकान लेना चाहते हैं, आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास दो मकान है तो एक में आप रह सकते हैं और दूसरे से आप सेकेंड इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट किन चीजों की सावधानी रखनी है, क्योंकि हर प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन हो यह जरूरी नहीं है। सही प्रॉपर्टी का चुनाव बहुत जरूरी है अच्छा एप्रिसिएशन लेने के लिए। तो सही प्रॉपर्टी के चुनाव के लिए आपको लोकेशन का ध्यान रखना है। उस लोकेशन पे अगले 5 से 7 से 10 साल में किस तरीके का डेवलपमेंट आने वाला है, उन सब चीजों पे भी आपको नजर रखनी होगी। आपको इस चीज की रिसर्च करनी होगी कि क्या क्या वहां पे डेवलपमेंट होना है, क्योंकि एप्रिसिएशन डेवलपमेंट से जुड़ा होता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे आपकी प्रॉपर्टी पे एप्रिसिएशन भी आएगी, और अगर आपने रेंटल पे लगाया है मकान अपना तो रेंटल वैल्यू भी बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दो प्रॉपर्टी लेंगे कैसे, तो इसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की एनालिसिस करनी होगी। आपकी इनकम कितनी है, आपका एक्सपेंडिचर क्या है, आप अपने फंड की प्लानिंग एडवांस में कीजिए। आपको सेल्फ फंडिंग करनी है प्रॉपर्टी पे या लोन लेना है, अगर लोन लेना है तो कितना पोर्शन लोन का होगा, कितना फंड आपके पास अवेलेबल है, आप कितने की इंस्टॉलमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या टेन्योर रखना चाह रहे हैं, इन सब चीजों का डिटेल में एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपकी डे टू डे रिक्वायरमेंट कितने फंड की है और जो भी एक्स्ट्रा फंड है फिर आप प्लान करके अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप लोकेशन का सिलेक्शन कर रहे हैं तो कुछ चीजों का खास ध्यान आप रखेंगे कि आपके लोकेशन से मेन मेजर कनेक्टिविटी कैसी है। लोकेशन का चुनाव करते वक्त आप जिन चीजों का खास ध्यान रखें वो कनेक्टिविटी है। स्कूल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, मेट्रो, इन सब चीजों की कनेक्टिविटी कैसी है उस लोकेशन से, क्योंकि रेंटल वैल्यू के लिए लोकेशन, वहां पे सिटी वाटर सप्लाई कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्या है, पावर कट्स कितने होते हैं, इन सब चीजों का बारीकी से ध्यान रखकर एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपके कुछ भी सवाल हैं, क्वेरीज हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।